हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि लोकल जो टेलीविजन सेट होता है उसमें ऑडियो सेक्शन की किस प्रकार से जांच करेंगे, कैसे समझेंगे खराबी कहाँ की है। तो खराबी को पता लगाने के लिए क्या है कि बहुत ही इजी वे में आप खराबी को पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि सबसे पहले हम लोग इस ऑडियो एम्पलीफायर आईसी की जांच करते हैं कि ऑडियो एम्पलीफायर आईसी सही है कि नहीं है, उसकी हम लोग जांच करें। उसके बाद ही जो है अन्य विभाग की हम लोग जाँच करेंगे। तो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी की जाँच करने के लिए क्या है कि इस आईसी के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इस आईसी में जो है पॉजिटिव पिन 5 होता है और निगेटिव पिन 3 होता है। इसका इनपुट पिन 1 होता है जिसमें कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। यहाँ से निकलने वाला आईसी के पिन नंबर 29 से आने वाला ऑडियो सिग्नल इसके 1 में देते हैं तो वह पूरा शक्तिशाली सिग्नल जो है 400 होते हुए स्पीकर को चला जाता है और आवाज़ हम लोग सुन लेते हैं। लेकिन ऐसा भी स्थिति आ सकता है कि आपको जो टेलीविजन सेट से आवाज़ प्राप्त नहीं हो। तो आवाज़ अगर प्राप्त नहीं हो तो ये हमेशा आप याद रखिएगा कि कभी भी ऑडियो सेक्शन को बनाते समय, कभी भी आवाज़ को लाते समय ये ध्यान रखिए कि आप ये देखिए कि टेलीविज़न के स्क्रीन पर पिक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि टेलीविज़न के स्क्रीन पर पिक्चर प्राप्त नहीं हो और आप आवाज़ लाना स्टार्ट कर दीजिए तो आपसे कभी भी आवाज़ आने वाला नहीं है। आवाज़ तभी आएगा जब टेलीविज़न के स्क्रीन पर चित्र प्राप्त हो, यानी कि वीडियो प्राप्त हो, तभी आप आवाज़ को ला सकते हैं। तो आवाज़ प्राप्त करने के लिए अगर आवाज़ मान लीजिए कि टेलीविज़न के स्क्रीन पर पिक्चर आए लेकिन आवाज़ नहीं आए, तो उस स्थिति में आवाज़ को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस ऑडियो एम्पलीफायर आईसी की जांच करते हैं, उसके बाद अन्य जगह जांच करेंगे। तो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी की जांच करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि जो साउंड म्यूट के रूप में यहाँ पर दो साउंड म्यूट सर्किट में जो दो यहाँ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये दोनों ट्रांजिस्टर में से इस ट्रांजिस्टर को जो 18-15 नंबर का जो ट्रांजिस्टर होगा, कौन ट्रांजिस्टर होता है 18-15 नंबर का ट्रांजिस्टर, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। जो 18-15 नंबर का जो ट्रांजिस्टर जिसका कनेक्शन, जिसका कलेक्टर सीधे जो है इसके इनपुट से जुड़ा होता है, अगर इससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार की खराबी हो जाएगी तो उस स्थिति में भी इधर से आने वाला आवाज़ जो है ग्राउंड लाइन में जा करके ख़त्म हो सकता है, नष्ट हो जाएगा और आप ऑडियो सेशन बनाते रह जाइएगा, आपसे कभी भी ऑडियो सेशन बनने वाला नहीं है। तो क्या इधर की खराबी है कि इधर की खराबी है, कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए इस ट्रांजिस्टर को ओपन कर दीजिए, इस ट्रांजिस्टर को निकाल दीजिए। आप जो है पीसीबी से इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल दीजिए। किस ट्रांजिस्टर को बाहर निकालना है? तो 18-15 नंबर का जो ट्रांजिस्टर होता है उसको बाहर निकालना, ना कि 10-15 नंबर के ट्रांजिस्टर को बाहर निकालना है। 18-15 नंबर का जो ट्रांजिस्टर होता है उसका कलेक्टर जो है इस आईसी के इनपुट से जुड़ा होता है, तो इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद इस ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन की जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि इस आईसी के पॉजिटिव पिन नंबर 5 पर सप्लाई की जांच करेंगे कि सप्लाई प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आईसी के पिन नंबर 5 पर लगभग हम लोग 16 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। वो सप्लाई कहाँ से देते हैं? तो 18 वोल्ट जो कि पावर सप्लाई से 18 वोल्ट निकलता है, यहाँ का निकलने वाला 18 वोल्ट की सप्लाई यहाँ देते हैं और एक रेजिस्टेंस के द्वारा ऐसे होते हुए पिन नंबर 5 को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो पिन नंबर 5 पर हमको पॉजिटिव सप्लाई की जाँच करना है। कितना वोल्ट? तो लगभग 16 वोल्ट की सप्लाई इस आईसी के पिन नंबर 5 पर चेक करना है। कितनी वोल्ट की सप्लाई? तो लगभग 16 वोल्ट की सप्लाई। 18 वोल्ट देते हैं लेकिन एक रेजिस्टेंस के द्वारा घटते हुए जो है पिन नंबर 5 पर 16 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। सप्लाई की जांच करना है, यहाँ पर पॉजिटिव है और पिन नंबर 3 पर निगेटिव सप्लाई की जांच करना है कि पॉजिटिव निगेटिव सप्लाई आईसी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके बाद क्या करना है कि आईसी के पॉजिटिव पिन की ठीक आधी सप्लाई आईसी के आउटपुट पर मिलनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव पिन नंबर 5 की आधी ठीक आधी सप्लाई पिन नंबर 4, आउटपुट पिन कौन है? तो 4 है। तो आईसी के पॉजिटिव पिन की ठीक आधी सप्लाई आईसी का आउटपुट पर चेक करना है। तो अगर यहाँ पर 16 मिले तो उसकी ठीक आधी सप्लाई आईसी के पिन नंबर है 4 पर हमको 8 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। कब? जब 16 मिले तो 8 मिलना चाहिए आईसी के आउटपुट पर। पॉजिटिव पिन की ठीक आधी सप्लाई हमको आउटपुट पर मिलनी चाहिए। अगर मिले तो आईसी को मानिए कि लगभग आईसी सही काम कर रहा है।
तो अगर 16 मिले तो यहाँ पर 8 मिलना चाहिए, अगर 14 मिले तो यहाँ पर 7 मिलना चाहिए, अगर यहाँ पर आपको जो है 12 मिले तो यहाँ पर 6 मिलना चाहिए, अगर 18 मिले तो यहाँ पर 9 मिलना चाहिए। यानी कि जितना सप्लाई आईसी के आउटपुट पर मिले उसकी ठीक आधी सप्लाई, सॉरी जितना सप्लाई आईसी के पॉजिटिव पिन पर मिले उसकी ठीक आधी सप्लाई आईसी के आउटपुट पर मिलनी चाहिए। अगर पॉजिटिव पिन पर ही सप्लाई नहीं मिले तो पावर सप्लाई से लेकर के लगे हुए जो है ट्रैक की जांच करेंगे, रेजिस्टेंस की जांच करेंगे और यहाँ पर पॉजिटिव पिन पर सप्लाई की जांच करना है। अगर पॉजिटिव मिल जाए और इसकी ठीक आधी सप्लाई मिल जाए, इसके बाद क्या है कि क्या यह आईसी फाइनल जो है पूर्णतः जो है सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या कीजिए कि किसी चिमटी के द्वारा, किसी ट्यूजर के द्वारा इस आईसी के इनपुट पिन को छूइए। इस आईसी के इनपुट पिन को छूने पर हमको मिलनी चाहिए वेरी हाई ग्रेड। आईसी के इनपुट पिन को किसी मेटल के द्वारा, किसी चिमटी के द्वारा या किसी ट्यूजर के द्वारा इसके पिन को छूना है, या इसको ड्राइवर के द्वारा इसके पिन को छूए। छूने पर हमको तेज जो है ग्रिड प्राप्त होनी चाहिए, जिसको हम लोग वेरी हाई ग्रिड बोलते हैं, यानी कि तेज घड़घड़ाहट की आवाज जो है स्पीकर से निकलनी चाहिए। अगर इनपुट पिन को छूने पर तेज आवाज स्पीकर से निकल जाए तो ये मानेंगे कि यह हमारा ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन बिल्कुल सही काम है कर रहा है। और अगर इनपुट पिन को छूने पर वेरी हाई ग्रिड प्राप्त नहीं हो, यानी कि तेज घड़घड़ाहट की आवाज स्पीकर से नहीं निकले और प्लस पिन की आधी सप्लाई आउटपुट पर मिले, तो इस स्थिति में हम लोगों को आउटपुट से लगा हुआ यह कैपेसिटर, इसके बाद स्पीकर, स्पीकर से संबंधित तार और उसके कनेक्शन की जांच करेंगे। यानी कि पॉजिटिव पिन की आधी सप्लाई मिले आउटपुट पर तो ये मानेंगे कि आईसी लगभग सही काम कर रहा है। फिर भी अगर इनपुट को छूने पर हाई ग्रेड स्पीकर से नहीं निकले तो उस स्थिति में पिन नंबर 4 से लगे हुए पुर्जे की खराबी होगी, पिन नंबर 4 से लगे हुए कैपेसिटर, स्पीकर या यह तार की खराबी होगी या तार का कनेक्शन टूट गया होगा। और अगर हाई ग्रेड मिल जाए तो ये मानेंगे कि यह यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा विभाग बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसके बाद यही हाई ग्रेड, वेरी हाई ग्रेड ऐसे होते हुए हमको आप देखेंगे कि ऐसे होते हुए हमको वेरी हाई ग्रेड हमको यहाँ तक मिलनी चाहिए। यहाँ पर आईसी के पिन नंबर 29 पर हमको ग्रिड मिलनी चाहिए। तो इस रेजिस्टेंस को आप निकाल दीजिए, इस रेजिस्टेंस के किसी एक लेग को ओपन कर दीजिए और ओपन करके इस लाइन को हमको क्या करना है कि छूना है और छू करके देखना है कि वेरी हाई ग्रिड प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके यहाँ पर छूने पर वेरी हाई ग्रेड अगर मिल जाए तो ये मानेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सर्किट सही काम है कर रहा है। इसके बाद अब हमको क्या करना है कि अब इसके इनपुट पिन 22 और 32 से होते हुए यही ग्रिड हमको अब यहां मिलना चाहिए, ऑडियो जो सॉकेट होता है वहां तक मिलना चाहिए। अगर 29 पर वेरी हाई ग्रिड मिले और 22 या 32 दोनों में से किसी एक पर हमको ग्रिड मिलनी चाहिए और यही ग्रिड जो है ऑडियो यहां पर मिलना चाहिए। तो अगर 29 पर मिले, 22 पर नहीं मिले ग्रिड या 32, ये दोनों से ऐसे होते हुए यही ग्रिड जो है हमको यहाँ तक मिलनी चाहिए, वेरी हाई ग्रिड यहाँ पर मिलनी चाहिए हमको, वेरी हाई ग्रिड। और यहाँ तक अगर वेरी हाई ग्रिड मिल जाए तो ये मानेंगे कि यह आईसी भी सही है। अगर यहाँ पर वेरी हाई ग्रिड मिले, इस रेजिस्टेंस को जोड़ दिए, लगा दिए और लगा देने के बाद में यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ तक वेरी हाई ग्रिड नहीं मिले तो खराबी इस आईसी की होगी, इस आईसी से रिलेटेड होगी। और अगर यही वेरी हाई ग्रिड ऐसे होते हुए सॉकेट तक मिल जाए, यहाँ मिले यहाँ नहीं मिले तो ये रेजिस्टेंस खराब होगा। और ये सॉकेट तक अगर वेरी हाई ग्रिड मिल जाए हमको छूने पर किसी चिमटी से, स्पीकर से तेज घड़घड़ाहट की आवाज निकलनी चाहिए, अगर निकल जाए तो ये मानेंगे कि ये ऑडियो एम्पलीफायर के लिए लगा हुआ आईसी भी सही है और ये आईसी के अंदर भी बना हुआ ऑडियो सेक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर वेरी हाई ग्रेड अगर मिले और यहाँ पर नहीं मिले, जरूरी नहीं कि आईसी ही खराब होगा। हो सकता है कि आपका जो है रिमोट के द्वारा साउंड म्यूट में किया हुआ हो, तो रिमोट के द्वारा ये चेक करेंगे कि इस वैल्यूम फुल है कि नहीं है। सबसे पहले वैल्यूम को फुल कर लेंगे, उसके बाद ही जो है हम लोग आवाज़ के लिए जो है यहाँ पर ग्रिड की जाँच करेंगे। वैल्यूम अगर जीरो रहेगा तो यहाँ पर ग्रिड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ग्रिड आपको प्राप्त नहीं होगी। तो वॉल्यूम को फुल करके और साउंड जो म्यूटिंग जो है उसको जो है
आपको हटा करके ही यहाँ चेक करना है कि ग्रिड मिलना चाहिए। 22 और 32 से होते हुए हमको यहाँ तक ऑडियो सॉकेट तक ग्रिड प्राप्त होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ग्रिड मिले और यहाँ पर ग्रिड नहीं मिले तो ये मानेंगे कि इस आईसी में खराबी होगी, या वॉल्यूम जीरो होगा, या जो है आपका जो है रिमोट के द्वारा इस सिस्टम को हम लोग जो है म्यूट किए हुए होंगे, तो उस स्थिति में यहाँ पर ग्रिड प्राप्त नहीं होगी। और अगर यहाँ तक ग्रिड मिल जाए, ऐसे होते हुए यहाँ तक ग्रिड मिल जाए, तो ये मानेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल ही सेक्शन सही काम कर रहा है, ऑडियो सेक्शन बिल्कुल सही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा विभाग सही काम कर रहा है, फिर भी जैसे ही ट्रांजिस्टर को लगाते ही आवाज़ गायब हो जाए, आवाज़ भाग जाए, तो खराबी इस साउंड म्यूटिंग सेक्शन में होगी। तो साउंड म्यूटिंग सेक्शन में क्या है कि इस ट्रांजिस्टर की जांच करेंगे, इस ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ये ट्रांजिस्टर को क्यों लगाते हैं, तो तीन पोजीशन में इस आईसी के माइक्रो प्रोसेसर जो आईसी होता है, उस आईसी के पिन नंबर 61 से 3 वोल्ट आउट होते हैं। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि म्यूट पोजीशन में 3 वोल्ट, नो वीडियो में 3 वोल्ट और स्टैंड बाई पोजीशन में 3 वोल्ट आउट होता है। तो यहाँ पर अगर 3 वोल्ट जो है आपको निकले, तो उस स्थिति में ऐसे होते हुए यहाँ का बेस का वोल्टेज बढ़ा हुआ रहेगा, और अगर वोल्टेज बढ़ा हुआ रहेगा तो उस स्थिति में ये दोनों पाव आपस में सटे हुए होंगे, और सटने की स्थिति में यहाँ पर जो भी ऑडियो आता होगा वो ऑडियो जो है सीधे जो है ग्राउंड में खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आवाज़ प्राप्त हमको नहीं होगी। तो अगर पिक्चर प्राप्त हो, वॉल्यूम को फुल कर देने पर आवाज़ प्राप्त नहीं हो, तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि क्या वॉल्यूम अगर फुल हो और पिक्चर प्राप्त हो तो यहाँ पर से 3 वोल्ट नहीं निकलना चाहिए। अगर 3 वोल्ट निकले तो खराबी इस आईसी की होगी। अगर 3 वोल्ट आउट हो वॉल्यूम को फुल करने के बाद भी अगर, और ये साथ ही साथ जो है आपका जो है टेलीविज़न सेट म्यूट के पोजीशन में नहीं हो, और ये 3 पोजीशन के स्थिति में जो है 3 वोल्ट आउट होता है, लेकिन अगर ये तीनों पोजीशन नहीं हो, यानी कि म्यूट का भी पोजीशन में जो है टेलीविज़न सेट नहीं हो, वीडियो भी आता हो, वीडियो भी आ रहा हो, और साथ ही साथ स्टैंड बाई पोजीशन में भी जो है टेलीविज़न सेट नहीं है, वीडियो आने का मतलब है कि स्टैंड बाई पोजीशन में टेलीविज़न सेट नहीं है, तो अगर 3 पोजीशन को छोड़ करके नॉर्मल पोजीशन में यहाँ से 0 वोल्ट निकलना चाहिए, और जब 0 मिलता है यहाँ पर, तो उस स्थिति में ये दोनों लेग आपस से हटे रहते हैं, और जब दोनों लेग हटे रहेंगे तो इधर का ऑडियो सिग्नल इधर जाता हुआ रहेगा, और अगर जो है बेस का वोल्टेज बढ़ा हुआ रहेगा दोनों पाव सटेंगे, और यहाँ का जो है सिग्नल जो है ग्राउंड में खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल पोजीशन हो, नॉर्मल पोजीशन कब मानेंगे, जब टेलीविजन सेट स्टैंड बाई मोड में नहीं हो, टेलीविजन सेट नो वीडियो में नहीं हो, और टेलीविजन सेट म्यूट के पोजीशन में नहीं हो, नॉर्मल के स्थिति में हो, यानी वॉल्यूम फुल हो, पिक्चर आ रहा हो, तो उस स्थिति में यहाँ पर 0 वोल्ट निकलना चाहिए। अगर वोल्टेज निकले तो खराबी इस आईसी की होगी, और उस स्थिति में यहाँ का वोल्टेज अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो उस स्थिति में ये जो है आपका जो है ये ट्रांजिस्टर जो है ये इसके दोनों लेग सट जाएंगे, और यहाँ से आने वाला सिग्नल जो है ग्राउंड में नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर आईसी का वोल्टेज जो है नॉर्मल पोजीशन में बढ़ा हुआ रहेगा, तो उस स्थिति में आप इस डायोड को या रेजिस्टेंस को ओपन कर देंगे, तो उस स्थिति में आपका ऑडियो सेक्शन काम करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन म्यूट का आप जो है जो और जो सिस्टम होता है वो सिस्टम जो है फेल हो जाएगा। तो आईसी बदलना जो है अगर आप नहीं चाहते हैं, तो उस स्थिति में अगर यहाँ का वोल्टेज जो है नॉर्मल पोजीशन में भी अगर वोल्टेज ज़्यादा मिलता हो, यानी वोल्टेज जो है आ रहा हो यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन में 0 वोल्ट निकलना चाहिए, और अगर वोल्टेज ज़्यादा निकले तो उस स्थिति में आप जो है आईसी अगर नहीं बदलना चाहते हैं तो इस रेजिस्टेंस को या इस डायोड को ओपन कर दीजिए। जैसे ही डायोड रेजिस्टेंस को ओपन कर देंगे तो यहाँ पर वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा, और जब यहाँ पर वोल्टेज ही नहीं मिलेगा तो दोनों पाव आपस में नहीं सटेंगे, इधर से आने वाला सिग्नल इधर नहीं जा करके डायरेक्ट जो है इस आईसी के इनपुट पे जाता रहेगा, और आउटपुट से निकल करके हमको आवाज़ जो है प्राप्त होगी। दूसरा बात क्या है कि ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो जाता है, या ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाने की स्थिति में, अगर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट कर जाएगा, इसके ट्रांजिस्टर के दोनों पंप आपस में सट जाएंगे, ख़राब हो जाएगा ट्रांजिस्टर, तो उस स्थिति में भी इधर से आने वाला सिग्नल डायरेक्ट ग्राउंड में जा करके नष्ट हो जाएगा। तो इस ट्रांजिस्टर की जाँच करेंगे, ये ट्रांजिस्टर के भी ख़राब हो जाने से जब इसके जो है मीटर कलेक्टर आपस में सट जाएंगे या बेस कलेक्टर आपस में सट जाएंगे, तो उस स्थिति में यह तो 8 वोल्ट का लाइन है, 8 वोल्ट के होते हुए यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा हुआ रहेगा, और यहाँ का वोल्टेज अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो उस स्थिति में ये दोनों आपस में सट जाएंगे, और यहाँ का सारा सिग्नल जो है ग्राउंड में नष्ट हो जाएगा। तो अगर इस ट्रांजिस्टर को निकाल देने पर आवाज़
आपको स्पीकर से आना स्टार्ट हो जाए और ट्रांजिस्टर को लगाते ही आवाज़ जो है भाग जाए, आवाज़ नहीं आए, तो उस स्थिति में इस ट्रांजिस्टर की जांच करेंगे, इसे संबंधित पुर्जे की जांच करेंगे और यह म्यूट जो पिन है, पिन नंबर 61, उसकी जांच करेंगे। तो यही रहा हमारा क्या चीज़, तो ऑडियो सेक्शन और म्यूट जो सर्किट होता है उसको हम किस प्रकार से जाँच करते हैं। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस साउंड म्यूट सेक्शन की जांच और ऑडियो सेक्शन की जांच जो है करने में काफ़ी जो है सहायता मिलेगी। तो धन्यवाद, आपने जो इस वीडियो को अंत तक वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।